हेलो फ्रेंड्स, हल्दी, अदरक और दालचीनी ये तीनों ही ऐसे मसाले हैं जो भारत के हर किचन के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर चाहे हमें अपने खाने के अंदर अच्छा फ्लेवर देना हो, अच्छी खुशबू देनी हो, हम किसी भी चीज के लिए इन तीनों चीजों को ही सबसे पहले उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हल्दी, अदरक और दालचीनी से बनी हुई चाय हमारी बहुत सी बीमारियों को हमसे दूर कर सकती है। चलिए आज जानते हैं इस चाय के कुछ फायदों के बारे में। दोस्तों, इस चाय को बनाकर यदि आप रोजाना एक कप की मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ऐसा करने से आपकी माइग्रेन की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। दोस्तों, माइग्रेन की समस्या तब ज्यादा होती है जब निरंतर हमारे सर में दर्द होता रहता है और किसी भी तरीके की दवाई लेने से भी वो दर्द ठीक नहीं होता है। अगर आप अदरक, हल्दी और दालचीनी से बनी हुई चाय का सेवन करना शुरू करते हैं तो ये माइग्रेन से आपको काफी जल्दी राहत दिला देता है। यदि आप तनावग्रस्त रहते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं तो आपके तनाव को कम करने के लिए भी ये काफी अच्छी चाय मानी जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको इस चाय का सेवन रोजाना एक कप की मात्रा में जरूर करना चाहिए। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर स्किन पर मुहासे निकल रहे हैं तो इस चाय से आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं या फिर इसी चाय को कॉटन बॉल की सहायता से टोनर की तरह अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ये चेहरे से उन बैक्टीरिया को नष्ट करता है जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो हल्दी, अदरक और दालचीनी को एक टब के पानी के अंदर घोल लीजिए और उसी पानी से आप अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश करिए। ऐसा करने से आपके बालों से फंगल इन्फेक्शन दूर होता है और आपके बालों से डैंड्रफ और रूसी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाती है। सो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से तीन चीजों से मिलकर बनी हुई चाय ने आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करने का जिम्मा उठाया है। इसीलिए इसे ट्राई जरूर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।